मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो मैं आगे बाद में बताऊंगा। और चीज़ें कुछ बता दूँ तो कल के व्लॉग के लिए थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जितने व्यूज़ है उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो व्यूज़ के लिए बहुत बहुत ही थैंक यू। उसके बाद जो भी सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर काउंट मुझे थोड़ा लो लगा, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। और बहुत कंप्लेंट भी आ रही थी कि भाई आवाज़ आ रहा है, तो ये आवाज़ इस फैन की वजह से आ रहा है, इसलिए फ़ैन ही बंद करके व्लॉग कर रहा हूँ। जो भी बारिश का आपको आवाज़ आ रहेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है सुबह से। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा रूटीन दिखाता हूँ। तो जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के साथ ही मैं पहले गर्म पानी पीता हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेरा मग है जिसके अंदर मैं गर्म पानी पीता हूँ सुबह सुबह। मेरे को ये मग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंट है और क्या हैवी है, पर ये बहुत आप मतलब दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर हैवी है ये बहुत। पानी को मैं ज्यादा भी गर्म नहीं करता क्योंकि बाद में वो ठंडा होने में टाइम लगता है, एकदम गर्म भी पानी नहीं पीते। ऐसा फील आ रहा है जैसे आप सुबह सुबह चाय पी रहे, टेस्टलेस वाला चाय। एक बार पानी पीने के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता नहीं, मतलब एक्सर्ट नहीं करता ज़्यादा बॉडी को, थोड़ा बहुत ही करता हूँ एक्सरसाइज। और मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ कि मम्मी सो रही है और मम्मी इसलिए सो रही है क्योंकि मम्मी की अभी से वापस ड्यूटी शुरू होने वाली है। ड्यूटी शुरू होने वाली है इसका मतलब ये है कि मम्मी वापस कोरोना वार्ड में जाने वाली है क्योंकि वो नर्स है, बहुत अच्छे से तरह से अपना काम कर रही है, तो आज मम्मी की नाइट ड्यूटी लगी है। यूजुअली मॉर्निंग लगती है, मतलब सुबह सुबह ही निकलती है, पर आज नाइट लगी है, पता नहीं क्यों। मम्मी जाने के बाद मैं घर पे अकेले रहने वाला हूँ, इसके लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अकेले 7 दिनों के लिए रहने के लिए बहुत बहुत तकलीफ होती है,
मतलब पहले 2 दिन तो बहुत मजा आता है कि मतलब अभी तो आजादी मिल गई, अभी कुछ टेंशन नहीं, सुबह उठ ये काम कर वो काम कर कुछ नहीं, मस्त आराम से उठने का। और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक नहीं आ रहा है, एक्चुअली बारिश गिरी जोर से तो थोड़ा वॉइस में चेंजेस आए रहेंगे, पता नहीं। रात को मम्मी ने बोला है 7-8 बजे तक निकलेगी, तो मैं मतलब वो पूरा शूट करने वाला हूँ। मैं कैसा मतलब मम्मी को बाय करता हूँ, मम्मी को कैसा मदद करता हूँ, मम्मी कैसे अपनी खुद की तैयारी करती है सब। कल का वीडियो का मतलब अनबिलीवेबल, मैं मतलब बहुत इम्प्रेस हो गया, इतना मतलब इतना अच्छी व्यूज, बहुत बहुत अच्छी व्यूज है, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने कमेंट किया, और वो कमेंट के में बहुत कमेंट के मुझे आंसर देने, तो ऐसे कमेंट थे कि मोबाइल का प्राइस क्या और उसका रैम क्या। तो मोबाइल एक्चुअली ये जो मोबाइल है इसका प्राइस मुझे 14 में पड़ा, 14,000, और 4 GB रैम, 64 GB वेरिएंट का है ये मोबाइल। आपको और 2 वेरिएंट में मिलेंगे, जो मतलब हायर वेरिएंट है, इसका मतलब प्राइस 15 से लेके 16 तक जाती है प्राइस। और सवाल ऐसे थे कि एक ने ऐसा पूछा था कि 10-20 से 10 तारीख को ऑर्डर किया, उसका 20 तारीख को आ रहा है ऐसा कुछ, तो भाई उनके लिए शायद आप जिधर रहते हो वो एरिया कंटेनमेंट जोन में रहेगा, और कोई रीज़न नहीं हो सकता, और एक ही रीज़न हो सकता है कि और ट्रांजिट में ऑर्डर अटक गया होगा। मतलब मैंने तो 10 तारीख को ऑर्डर किया था, तभी मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं कैसा ऑर्डर करता हूँ, ये भी मैं उसका भी मैं वीडियो बनाता था। पर 10 के बाद डायरेक्ट 14 डेट को ही मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, और बस इतने सवाल थे। अभी मम्मी सो रही है, मम्मी ने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला, मम्मी शायद 6-6:30 बजे तक उठ जाएगी, उठने के बाद आगे का व्लॉग करता हूँ। तो मैं आगे के व्लॉग में ये दिखाने वाला हूँ कि मैं मतलब विदाउट मम्मी के हेल्प से कैसे रहता हूँ, मतलब घर पे कोरोना कितना मुश्किल होता है अकेले रहना। पहले 2 दिन में जैसे बोला मैंने, एकदम मक्खन की तरह कभी पता ही नहीं चलता कैसे निकल गए, पर जैसे 3रा दिन शुरू होता है मतलब अकेला अकेलापन लगता है, फिर खाना बनाने में बोर होता है, उसके बाद घर घर को साफ करना पड़ता है। हाँ, पूरा घर को मैं साफ करता हूँ, मतलब झाड़ू लादी पोछना पड़ता है बस, उसके आगे कुछ थोड़ा बहुत अगर ये मतलब अभी ये तो मम्मी लेके जाने वाली है, ये मास्क रखने के लिए लेके जाने वाली है, वैसे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो यहाँ वहाँ पड़े हुए जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि घर का कचरा बिल्कुल नहीं दिखाना, तो मैं मतलब सब क्लीन करके ही दिखाऊंगा कि मतलब देखो हम ऐसे रहते लॉकडाउन में। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं फिजिकली अकेला रहता हूँ, मेंटली मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि मतलब मेरे जो बाजू वाले हैं, मतलब नेबर है मेरे जो, वो मुझे कभी कभी खाना ला के देते हैं, या फिर मेरी बहन है वो भी नर्स है, पर वो मतलब एक अलग कैटेगरी में है, वो अलग अलग कैटेगरी है, तो कोविड वार्ड में नहीं है वो। वो पूरे एरिया में जितने पेशेंट्स हैं उनका बस वो टैली करती है, दैट्स इट। और मेरी मम्मी लिटरली पेशेंट के पास जाती है, उनको मतलब अगर कुछ चाहिए रहेगा तो मेरी मम्मी का वार्ड लेबर वार्ड है, मतलब जहाँ पे प्रेग्नेंट औरत को कोविड हुआ रहेगा तो उनका टेक केयर करने, क्योंकि मम्मी पहले से एक्सपीरियंस है लेबर वार्ड में, और मम्मी पैसा तो रख के जाती है, मतलब बाहर से मंगा ऐसा नहीं, पर अगर सब्जी खत्म हुई रहेगी या फिर सब्जी या कुछ भी मतलब अगर बाहर से कुछ लाना होगा, शॉपिंग करनी होगी, तो मतलब वो मैं पैसे को यूज कर सकता हूँ, ऐसा सब मम्मी मेरी तैयारी करके जाती है। चला बाय, एक आठवड्या नंतर भेटू। हा, अरे यार हे पण मी टाकणार आता व्लॉग मध्ये, थांब।
कुठे थांबते प्रूफ आहे मी मी बंद नाही करणार बघ आता कसली चावी चला तर लास्ट बाया घेतलं ना सगळं ठीक आहे हेल्मेट सासूबाई तस नाही ठीक आहे फर्स्ट बाय 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 हो हो तू खरंच मास्क घालायला नाही पाहिजे होता जाऊ दे चल तुम्हें फाइनली आई को छोड़ के आ गया हो और आपने जैसे देखा बहुत बारिश गिर रही थी अभी खाना भी बना के गई है मतलब दोपहर का खाना है एक्चुअली दोपहर का खाने की कोई टेंशन नहीं अभी आराम से खा लूंगा और रही बात व्लॉग की तो अभी मैं शायद यहीं पे एंड कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं खाना खाऊंगा उसके बाद थोड़ा बहुत काम कुछ नहीं है टीवी देखूंगा टाइम पास करूंगा अभी यहाँ से मेरा एक्चुअली व्लॉग रियल में शुरू होगा कि मैं वो एक वीक कैसा बीताता हूँ घर में या क्या करता हूँ फिर एडिटिंग कब करता हूँ ये सब अभी मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करूँगा तो मिलते हैं अगले व्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करो यार प्लीज कल सुबह मिलते हैं।